हेलो गाइस, फीचर प्लस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ M30s के ऊपर। और अभी मैंने जो पहले थोड़े दिन पहले मैंने कंपैरिजन किया था M31 और M30s के बीच में, और जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखा ऊपर आगे बटन में जाके मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। और उसमें मैंने कंपैरिजन किया है, उसका कैमरा टेस्टिंग किया था, बैटरी वगैरह सब टेस्टिंग किया था। और मैंने ये भी बताया था कि एंड्रॉयड जो वर्जन है उसमें M31 के अंदर 10 मिलता है और M30s के अंदर हमको 9 वर्जन मिलता है। तो गुड न्यूज़ ये है कि हमको एंड्रॉयड 10 इसके अंदर हमको मिल चुका है M30s के अंदर, तो काफ़ी अच्छी बात है। अगर जिन्होंने ये फ़ोन परचेज कर लिया था उनको काफ़ी अच्छी, ये देखिए सेटिंग में जाने के बाद आप देख सकते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट में जाएंगे तो आपको यहाँ पर डाउनलोड ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। तो डाउनलोड के ऑप्शन पर जैसे जाएंगे तो इसे डाउनलोडिंग पर आपको ऑन कर देना है। तो जैसे ही आप डाउनलोडिंग पर ऑन करेंगे तो आपको अपडेट ये देखें, आप देख सकते हैं कि इसमें आपको एंड्रॉयड 10 का अपडेट मिल चुका है, तो काफ़ी अच्छी बात है। तो मैं इसे अपडेट करने का प्रोसेस आपके दिखाने वाला हूँ। और बस मैं यही गुड न्यूज़ देना चाह रहा था कि जिनके पास M30s का मॉडल जिन्होंने परचेज कर लिया था उनको नाराज़ होने की जरूरत नहीं है। अब कंपेरिजन में देखेंगे M31 का ही आपको सेम टू सेम फीचर मिल जाएंगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लगभग एक ही प्राइस पे लॉन्च हुए हैं, बस कैमरा थोड़ा सा इम्प्रूव है, बाकी इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि M30s के अंदर भी हमारे को 10 एंड्रॉयड वर्जन मिल चुका है। तो अगर आपको अपने पुराने एंड्रॉयड को चेक करना है कि आपका कौन सा वर्जन पे काम कर रहा है, तो आपको सेटिंग के अंदर जाना है, सेटिंग के बाद लास्ट में आना है अबाउट फ़ोन के अंदर, और आपको ये सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन के ऑप्शन पे जाना है। और ये देखिए आप देख सकते हैं एंड्रॉयड 9 वर्जन है M30s के अंदर। तो अगर आपको अगर ये आपका फ़ोन अगर 9 वर्जन में है तो ऐसे प्लीज़ अपडेट कर लीजिए, आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे फीचर्स देखने को मिलेंगे, आपका फ़ोन की स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो जाएगी। तो मैंने आपको दिखाया था कि जब इसको बूटिंग कर रहा था दोनों की, तो फ़ोन M31 जल्दी से ऑन हो गया था, तो अभी आपके ये फ़ोन भी आपका जल्दी बूटिंग करने लगेगा और स्पीड भी काफ़ी अच्छी मिलेगी आपको। तो पहले से हम अपडेट कर लेते हैं फिर दिखाते हैं आपको इसके फीचर। तो अपडेट हो जाने के बाद आप देख सकते हैं, आप इसे बाद में भी अपडेट कर सकते हैं, शेड्यूल में भी कर सकते हैं। शेड्यूल का ऑप्शन ये रहता है कि आप इसे टाइमिंग के साथ आप सेट कर सकते हैं, जैसे कि आप अभी दिन में वर्क कर रहे हैं तो आपके पास टाइम नहीं है, तो आप रात के टाइम का भी लगा सकते हैं कि आपको नाइट टाइम में ऑटोमेटिकली ये शेड्यूल पर जैसे टाइम आएगा तो वो ऑटोमेटिकली अपडेट होगा। फिलहाल मैं इसे खुद मैनुअली अपडेट कर रहा हूँ, तो इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करना, तो आपका ये इंस्टॉल नाउ का होने के बाद आपका फ़ोन रिस्टार्ट होगा और ऑटोमेटिकली आपका फ़ोन अपडेट हो जाएगा। तो आपके फ़ोन को कोई भी डाटा लॉस नहीं होने वाला, ना ही कॉन्टैक्ट नंबर, ना ही व्हाट्सएप, कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, बस आपका फ़ोन एंड्रॉयड 10 में चेंज हो जाएगा। तो फ्रेंड फ़ोन अपडेट हो चुका है, और मैं आपको पहले इसका अपडेट दिखा देता हूँ कि अपडेट हुआ है या नहीं। उसके बाद दोबारा से आप सेटिंग में जाएंगे, फिर से आप सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन में जाएंगे, तो आप देख सकते हैं एंड्रॉयड 10 अपडेट हो चुका है। तो आप देख सकते हैं एंड्रॉयड 10 हमारे को मिल चुका है, और ये बहुत गुड न्यूज़ है कि आपका फ़ोन 10 में अपडेट हो चुका है। तो बस इससे ये फीचर्स आपको काफ़ी अच्छे मिल जाएंगे। वो फीचर्स में आप देखेंगे कि M31 के अंदर जो फीचर आपको मिलेंगे वही आपको M30s के अंदर भी मिल जाएंगे। तो जैसे कि आपको फोकस मोड का ऑप्शन दिया गया है, इसमें आप एप्लीकेशन को जो फोकस करना हो आप कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये इसको स्टार्ट जैसे ही करूँगा तो आपके जो एप्लीकेशन हैं वो सारी हार्ड हो जाएंगी, बाकी जो लिमिट जो एप्लीकेशन होंगे वही आपको कलर्स में दिखाई देंगे। अगले फीचर की बात करें वो ऐड हो गया है इसके अंदर, हमारे को मिलता है डॉल्बी का ऑप्शन। जो डॉल्बी का आप ऑप्शन आपको जो पहले नहीं मिल रहा था वो उससे M10 के अपडेट होने के बाद आपको मिल गया है। और दूसरा ऑप्शन आपको जो मिलता है वो है आपका अल्ट्रा डाटा मोड, मतलब आप जैसे ही आप इसे ओपन अनेबल करेंगे, तो अनेबल करने के बाद तो इसमें आप जैसे ही ओपन करेंगे तो आप जैसे व्हाट्सएप वगैरह जो डाटा है वो इंस्टाग्राम का बहुत ज़्यादा डाटा वेस्ट करते हैं, तो आप यही एप्लीकेशन आप ऐड कर सकते हैं, जो आपको एप्लीकेशन ऐड करनी है वो ऐड कर लेंगे, तो बैकग्राउंड में आपका डाटा काफ़ी ज़्यादा सेव करता रहेगा और आपकी बैटरी भी काफ़ी बची रहेगी। और यही कुछ फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अगर स्पीड की बात करें, अब फिंगर लॉक काफ़ी अच्छा इम्प्रूव हो गया है और काफ़ी तेज़ी से काम कर रहा है। जो मैंने पहले बताया था पिछले वीडियो में वो इतना अच्छा स्पीड नहीं दे रहा था, तो अब मैं देख रहा हूँ कि अब दोनों में कुछ भी चेंजेस नहीं दिख रहा है मुझे।
अभी देखिए जैसे ही हम टच करता हूँ तो एकदम से अनलॉक हो रहा है। तो एम थर्टी वन में जो फीचर्स हैं वो सेम टू सेम है, प्रोसेसर भी सेम टू सेम है, तो अब कोई भी मुझे शिकायत नहीं है। तो बात यह है कि एम थर्टी एस का जो मॉडल है अब एम थर्टी वन में बिल्कुल इक्वल हो चुका है। अगर आप एम थर्टी एस लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, एम थर्टी वन लेंगे तो भी प्रॉब्लम है, बस फ़र्क है तो थोड़ा बहुत कैमरे के अंदर, बाकी सेम टू सेम है, प्राइस भी सेम है। तो अगर एम थर्टी वन लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, बाकी जिन्होंने एम थर्टी एस ले लिया तो उनके लिए ये गुड न्यूज़ है। तो बस उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। फिर मिलूंगा नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।